Hey guys, I'm Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, today's video about Amazon fashion haul. Guys, definitely ye wala haul aapko bahut zyada pasand aane wala hai. Ye western wear kind of haul hone wala hai. So guys, is video mein main aapke sath western wear haul share karne wali hu. So if in case aapke liye ye wala video helpful ho to please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon also jisse ki meri aane wali agli video ka notification aapko sabse pehle mil jayega. So guys, agar aap randomly mere channel par aaye aur pehli baar mujhe dekh rahe hain to main apne channel par kafi सारे हॉल शेयर करती रहती हूँ. वेस्टर्न वियर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे हॉल्स मैंने अपने चैनल पर किए हुए हैं. सो इफ़ इन केस आपको और देखना हो तो मैं वेस्टर्न वियर का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी. उसमें मैंने काफ़ी सारे मैक्सी ड्रेसेस और टॉप्स, टी शर्ट्स और इन सारी चीज़ों पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं ऑलरेडी. सो अगर आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं. एंड गाइस, अगर आपको ये वाले ड्रेस के बारे में जानना है तो ये मैंने अजियो से लिया था. इसका भी हॉल बहुत जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड होने वाला है. कुछ दिन के बाद मैं अजियो के दो बैक टू बैक वेस्टर्न वियर हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं वन पीसेस ड्रेसेस को इंक्लूड करूँगी, मैक्सी ड्रेसेस को इंक्लूड करूँगी. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो कीप ऑन वॉचिंग गाइस. नाउ लेट्स कस्ट इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट टी शर्ट से स्टार्ट करते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, टाई डाई वाला. तो लास्ट टाइम, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो लास्ट टाइम मैंने अपना एक अमेज़ॉन हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने एक टाई डाई वाला टी शर्ट शेयर किया था. सो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा है और उसका मैं यहाँ पिक्चर लगा दूँगी अगर आपको देखना हो तो. अगर आपने वो वाला हॉल नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉप्स अपने वीडियो में शेयर किए हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 टॉप्स मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं. सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. देन ये वाला टी शर्ट आपको पिक्चर दिख रहा होगा साइड में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये मैंने ओवर साइज़ लिया है, साइज़ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, शायद मैंने ये फ्री साइज़ लिया है या डबल या ट्रिपल एक्सल साइज़ में लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ चाहिए था. वैसे इसमें फिटिंग वाला भी आ रहा था तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ ले सकते हैं, बट मुझे ये वाला लूज़ चाहिए था और जो मॉडल ने वेयर किया हुआ था उस पर भी लूज़ लग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. ट्राई ऑन पार्ट आपको साइड में दिख जाएगा, सो आप देख लेना, बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देता है, आप देख सकते हैं. बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो पिक्चर दिख रहा था सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा रिसीव नहीं हुआ है, बट जो भी रिसीव हुआ है मुझे बहुत पसंद आया. सो गाइस, ये वाला टी शर्ट जितने का भी मुझे पड़ा होगा वो स्क्रीन पर आपको प्राइसेस मेंशन हो जाएंगे. काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हैं. सो इस तरीके से हमको मिलता है पूरा टी शर्ट, जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसा ही है पूरा. लुक बहुत अच्छा देता है, ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये वियर करने पर कैसा लग रहा था. बहुत ज़्यादा प्यारा टी शर्ट है और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी. जितने का भी मुझे पड़ा होगा स्क्रीन पर आपको प्राइसेस मेंशन हो जाएंगे. काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैं सोच रही थी हॉल क्रिएट करना है, मुझे करना है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझको, और भी सारे हॉल शेयर करती हूँ मैं. सो गाइस, एक और मैंने फ्लिपकार्ट हॉल शेयर किया हुआ था, उसमें मैंने ये आयु कोई ब्रांड है उसका एक मैक्सी ड्रेस शेयर किया था. वो लाया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था वो वाला ड्रेस. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट्स भी आए थे कि ये मैंने ले लिया, ऐसा करके लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि मैंने ये ड्रेस लिया है, काफ़ी अच्छा है. 500 किया था मैंने और अब तो वो शायद 450 अराउंड मिल रहा है. अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. उसमें मैंने काफ़ी सारे मैक्सी ड्रेसेस शेयर किए हुए हैं, सो आप देख सकते हैं. देन गाइस, ये वाले भी दोनों जो ड्रेस अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैक्सी, ये भी सेम ब्रांड से है, आयु से या आयु जो भी हो. सो ये कुछ इस तरीके का हमको मिल जाता है, आप देख सकते हैं. सो ये प्रिंटेड टाइप में है, मॉडल पर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा था, साइड में पिक्चर दिख रहा होगा आपको. ये हमको 2/4 स्लीव्स में मिल जाता है, इसका प्रिंट पूरे ड्रेस पर इसी तरीके से बना हुआ है. सो इस ड्रेस की क्या खासियत है कि इसमें प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगा ये प्रिंट. और ये बीच में हमको ऐसे से प्लीट्स मिल जाती है पूरे में, ताकि इसमें नीचे से काफ़ी अच्छा हमको घेर मिल सके, और अच्छा है ये वाला. तो ट्राई ऑन में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. एंड इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल बटन डिटेलिंग ओवर हियर, बट आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से. सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको बटन डिटेलिंग मिलती है. वियर करते हैं हम जब ये ड्रेस, तो इसका लुक अलग आता है और ऐसे देखने पर अलग आता है. बहुत अच्छा ड्रेस है और इसका जो फैब्रिक है वो शायद पॉलिएस्टर या रियन मटेरियल है, बट जो इसका फैब्रिक होगा मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. सो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसमें हमको लाइनिंग रिसीव नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है. सो अगर आप वन पीस ड्रेस इसमें देख रहे हैं तो आप इस वाले ब्रांड को ज़रूर चेकआउट करिएगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस अवेलेबल है. ड्रेसेस अच्छे तो हैं प्लस अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ हमको एक बेल्ट भी रिसीव होता है, तो ये बेल्ट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. बल्कि ये जो मैं अजियो का वियर किए हुए हूँ,
तो इसका मैं आपके साथ हॉल शेयर करूँगी। इसके मैं बहुत सारे ड्रेसेस मंगाए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसके साथ जो हमको बेल्ट मिलता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट इसके साथ हमको 500 समथिंग अराउंड का था ये ड्रेस। तो बेल्ट अच्छा खासा मिलता है हमको, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी है इसकी उससे जो मुझे अजियो के साथ रिसीव हुए हैं। सो बट अजियो का जो प्राइस है ना वो इनसे तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए प्राइस वाइज अजियो के बहुत अच्छे हैं। सो ये कुछ इस तरीके का बेल्ट हमको मिल जाता है। नेक्स्ट अप आई हैव दिस टाइप ऑफ ड्रेस। सो गाइस ये वाला ड्रेस भी काफ़ी प्यारा है। सो दिस इज़ द ब्रांड फ्रॉम आयू, ये भी आयू से है और ये काफ़ी प्यारा है, मरून कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये प्रिंटेड ड्रेसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड ड्रेसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ पर भी हमको बटन डिटेलिंग मिल जाती है, देन हमको यहाँ पर इलास्टिकेटेड वेस्ट मिलता है और हमको इसका जो घेर है वो भी ठीक ठाक मिल जाता है। और सो इसका जो फैब्रिक है वो आई गेस या तो क्रीप है या फिर रेयॉन है। फैब्रिक मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, सो आप देख लेना। और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर हमको फुल स्लीव्स मिल जाती हैं, देन यहाँ पर हमको बटन अटैच मिल जाता है, इसको हम लूज़ एंड टाइट हर तरीके से वियर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको बटन डिटेलिंग मिलती है। प्रिंट काफ़ी अच्छे हैं, इन सारे ड्रेसेस के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने प्रिंट्स को देखकर ही मंगाया था क्योंकि बेसिक वाले भी मेरे पास बहुत हो गए हैं, तो मुझे अब थोड़ा सा प्रिंटेड लेना था। सो इस तरीके से हमको ये मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आपको लेना हो तो आप दिल ले लेना। इसका ट्रायल एंड हॉल पार्ट भी आपको साइड में दिख रहा होगा, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं ये। सो गाइस दैट्स ऑल, यही छोटा मिनी सा हॉल आज मैंने आपके साथ शेयर किया है क्योंकि मुझे भी अपना बजट सेट करके चलना होता है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाले ड्रेसेस को परचेज़ किया है। सो इफ़ इन केस आपको ये वाले पसंद आए हो तो आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। एक माई हॉल स्टोर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो आप वहां पर क्लिक करके इन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। आपको पिक्चर्स एंड प्राइजेस दोनों ही मेंशन हो जाएंगे एक ही जगह पर, सो आपको इजी होगा इसको लेने के लिए। अदरवाइज़ मैं अलग अलग लिंक्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल। अगर आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले ड्रेसेस कैसे लगे। एंड अगर आपको किसी और प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।